मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव में कांग्रेस अलग ढंग से अपना प्रचार करेगी। दरअसल कांग्रेस उपचुनावी वाली सभी सीटों पर हर घर आधा लीटर गंगाजल बांटेगी। इस अभियान का नेतृत्व का प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल नेतृत्व करेंगी। कांग्रेस नेत्री का कहना है कि 27 में से 25 विधानसभा अहम है जहां से कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा करने वाले प्रत्याशी हैं। अब हम मतदाता को गंगा जल देकर उनके अपवित्र हो चुके वोट का शुद्धिकरण कराएंगे और उनसे उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। शुद्धि के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत आज इंदौर शहर से होने जा रही है। आप सभी को पता है जिस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करके जो भाजपा ने सरकार बनाई है वो जिस तरह से अनैतिकता दिखी है और जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है उसके लिए हिमांशु यादव जी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुद्ध के लिए युद्ध योजना बनाई, जिसके अंतर्गत जो 27 विधानसभाओं में चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वहां पर इनकी पूरी टीम पूरी जाएगी और वहां पर जनता को बताएगी कि किस तरह के कारनामे भाजपा की सरकार ने करे हैं और 15 साल में जो कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धियां हैं हमारी कांग्रेस सरकार की, उन उपलब्धियों को जनता तक ले जाया जाएगा।